लो जी, एक और मेडिकल बोर्ड बन गया। नतीजा फिर वही आ गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इलाज के लिए छठा मेडिकल बोर्ड तश्कील। छठे मेडिकल बोर्ड ने भी नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी तजवीज कर दी। डॉक्टर्स का जेल में नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। नवाज शरीफ को इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी जाएं। वज़ीर आज़म की पंजाब हुकूमत को हिदायत। नवाज शरीफ जिस डॉक्टर या हस्पताल से इलाज चाहते हैं वहां मुंतकिल किया जाए। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। अस्पताल नहीं जाऊंगा, मियां नवाज शरीफ डट गए। साबिक वजीर आजम से जेल में वालिदा शमीम बेगम, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। नवाज शरीफ को अस्पताल ले जाने के लिए मनाने की कोशिशें नाकाम। पंजाब असेंबली में इत्तफाक राय से बनने वाली हुकूमत और ओपोजिशन कमेटी के होते हुए पंजाब हुकूमत इलाज की पेशकश कैसे कर सकती है? वजीर आला सेक्रेटरिएट पंजाब असेंबली में होने वाली पेशरफ से ला इल्म। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। एमएमए के रुकन की फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ तहरीके सहकाक। खिलाड़ियों का अब्दुल रशीद पर हमला, जियालों ने हिसार में ले लिया। अब्दुल रशीद का खिलाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। पाक भारत कशीदगी में कमी का मिशन। वजीर आजम इमरान खान से सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर की मुलाकात। शाह सलमान और वली अहद के खसूसी पैगामात पहुंचाए। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, बिलखसूस पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी कम हुई, दुनिया हमारा मौकफ समझ रही है। किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अजाइम नहीं, मगर दिफा का हक है। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पहली कौमी टैरिफ पॉलिसी की मंजूरी दे दी गयी। European Union, as a lot of countries in Europe, a promoter of stability in this region. The world, I think, is already witnessing too many conflicts. No one wants to see an armed conflict between Pakistan and India. I also discussed with the minister the situation, the recent situation in the region post the Pulwama incident, and gave him an overview of Pakistan's position and what we stand for and the steps that Pakistan has taken to de-escalate and diffuse tensions within the region. यूरोपीय मुल्क लग्जमबर्ग की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश। पाकिस्तान का सालसी की पेशकश का खैर मकदम। शाह महमूद कुरैशी बोले, मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा किया जाए। जेन एजलबॉर्न ने कहा, यूरोपीय यूनियन इतनी मजबूत नहीं कि मसला कश्मीर हल करा सके। यूरोपीय यूनियन इतनी कमजोर भी नहीं, शाह महमूद का जवाब। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कोई भी ताकत या धमकी से हमें नहीं झुका सकता। आर्मी चीफ का दुश्मन को पैगाम। जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक भारत कशीदगी पर गौर। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मुजालिम पर तश्वीश।
मुखालिफत नहीं चाहते, दुश्मन ने पहल की तो भरपूर जवाब देंगे। नेवल चीफ ने कहा है, भारतीय आबदूज का सुराग लगाना पेशा वराना सलाहियतों का सबूत है। एडमिरल जफर महमूद का साहनी तंसीबात और अगले मोर्चों का दौरा, अफसरों और जवानों से मुलाकात की, ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आपको कागज दिखाए हैं, प्राइम मिनिस्टर के पैरेलल नेगोशिएशन ने राफेल की डिलीवरी शेड्यूल को रिटार्ड किया। हमारी डील में राफेल पहले आता, नेगोशिएशन टीम ने लिखा है कि राफेल का हवाई जहाज इस डील में बाद में आएगा। प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि भैया राफेल टाइम पे आ जाता, राफेल इसलिए टाइम पे नहीं आया क्योंकि आप अनिल अंबानी को पैसा देना चाह रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाले, और मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है, आपको दिखा देंगे। जो भी इंक्वायरी करनी है आप कीजिए, सब पे कीजिए, मगर प्राइम मिनिस्टर जी पे भी कीजिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये डॉक्यूमेंट्स हैं और उस पे हम FIR लगाएंगे, तो फिर इस पे आप क्यों नहीं लगा रहे? राफेल तैयारों का स्कैंडल मोदी को ले डूबेगा। मोदी पर मुकदमा चलाने के लिए काफी सबूत मिल गए। दस्तावेजात चोरी की तहकीकात मोदी से की जाए, कांग्रेस के सदर राहुल गांधी का मुतालबा। भारत में कश्मीरियों का जीना दो घर, लखनऊ में इंतहा पसंद आफे से बाहर, कश्मीरी दुकानदारों पर तशद्दुद, लाठियां बरसाई बुरा भला कहा, गिरेबान से पकड़ कर घसीटा। लोगों को बिना वजह निशाना बनाया जा रहा, तंग किया जा रहा, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा। लखनऊ में दो हमारे कश्मीरी ड्राई फ्रूट बेचने वाले, उनके तरफ से कोई गलती नहीं कि उन्होंने किसी को लूटा, किसी के साथ चोरी की। भारत में कश्मीरियों पर मजालिम, उमर अब्दुल्ला फट पड़े, कहते हैं टूटन का राग फीका पड़ जाएगा। सीनियर भारतीय सहाफी बरखा दत्त कहती हैं, हमलावरों की हिमायत करने वाले गद्दार हैं। भारतीय वजीर गिरिराज सिंह की दो नंबरी पकड़ी गई। भारतीय वजीर ने बालाकोट में तबाही दिखाने के लिए जाली तस्वीर का इस्तेमाल किया, BBC ने भांडा फोड़ दिया। अगर कुछ बातें देश की जनता जानना चाहती है, जिसका कोई और अर्थ ना निकाला जाए, और जबकि तरह तरह की बातें हमारे सरकार के भी कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली अलग अलग भाषाएं बात कर रहे हैं, कोई कहता है 350 को 300 को 500, ये क्या तमाशा है? अगर ये जानकारी कुछ लोग जानना चाहते हैं, ना सिर्फ विपक्ष बल्कि पूरा देश अगर जानना चाहता है, और अगर आप बता ही देंगे तो मैं समझता हूँ देश की जनता का भी हौसला अफजाई होगा। मोदी हुकूमत का झूठ किसी को हजम नहीं हो रहा, BJP के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। मारूफ अदाकार और BJP के रहनुमा शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपनी हुकूमत से बालाकोट हमले के शवाहिद मांग लिए। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आजादी दुबाने के लिए क्रैक डाउन, वादी में पकड़ धकड़, यासीन मलिक और दीगर रहनुमा जेल मुंतकिल। कुपवाड़ा में भारतीय फौज की फायरिंग से एक कश्मीरी शहीद। पाकिस्तान की फिजाई हदूद मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी, सिविल एविएशन की फिजाई ऑपरेशन की बहाली में एक दिन की मजीद तौसी। मुल्तान, फैसलाबाद और रहीम यार खान के एयरपोर्ट्स को कल ऑपरेशनल किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, जब तक FBR की रिफॉर्म्स नहीं होगी हम टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकेंगे। इसका ठीक होना जरूरी इसलिए है कि हम जब तक FBR की रिफॉर्म्स नहीं करेंगे हम अपना खर्चा मीट नहीं कर सकते। मैं ये भी आपको आज कहता हूँ कि अगर हमने ये रियलाइज किया कि FBR ठीक नहीं हो सकती, हम एक नई FBR बना देंगे। थोड़ा मुश्किल वक्त मैं पहले दिन से आपको कहा था वो होना ही है। 10 सालों में 6 ट्रिलियन से पाकिस्तान का कर्जा गया है 30 ट्रिलियन पे। अभी कोई एक बड़ा मोतबर TV पे कल असेंबली में तकरीर कर रहा था, बड़ा मोतबर शक्ल बना के, कोई कायदे आजम जिस तरह की शक्ल बना के और तकरीर कर रहा है। मैं अब उसकी शक्ल देख रहा हूँ, कोई शर्म नहीं आ रही इसको तकरीर करते हुए। FBR ठीक ना हुआ तो नया FBR बनाएंगे, वजीर आजम का ऐलान। टेक्स नेट बेहतर ना हुआ तो ये मुल्क की सलामती का मसला है। एक साहब कल असेंबली में कायदे आजम की शक्ल बनाकर तकरीर कर रहे थे। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने मुल्क का कर्जा
30,000 अरब रुपए तक पहुंचा दिया है। वजीर आजम इमरान खान का ताजिरों से खिताब। वजीर खजाना ने मेरी तकरीर को मुल्क दुश्मन करार दिया। जनरल उमर के बच्चे इस पोजीशन में नहीं कि हमें गैरत का लेक्चर दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट के साथ नोटिफिकेशन की कॉपी भी लगा दी। नोटिफिकेशन में इदारों को वजीर आजम का पूरा नाम लिखने से मना किया गया। साने है मॉडल टाउन, जीआईटी की कानूनी हैसियत चैलेंज। मामला जेरे समात है, तहकीकात नहीं हो सकती। नून लीग का मौकफ, साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपना बयान जमा करा दिया। ख्वाजा आसिफ, राणा सनाउल्लाह और परवेज रशीद ने भी बयानात रिकॉर्ड करा दिए। नेशनल एक्शन प्लान पर मुल्क भर में एक्शन, शहर शहर कार्रवाइयां, 121 अफराद जेरे हिरासत। सिंध में 56 मदारिस, अस्पताल और स्कूल तहवील में लिए गए। मुशर्रफ को बैरून मुल्क अदालत ने नहीं, हुकूमत ने जाने दिया। हुकूमत ने अब तक मुशर्रफ को बुलाने के लिए किया क्या है? मुशर्रफ का बयान वीडियो लिंक के जरिए हो सकता है। अगर फिर भी बयान नहीं देते तो इनकारी समझा जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, रजिस्ट्रार ऑफिस गद्दारी केस के ट्रायल में ताखीर पर रिपोर्ट पेश करे। अब कोई मुकदमा ताखीर का शिकार नहीं होगा। 1.5 माह के दौरान 2000 जेरे इल्तवा मुकदमात में कमी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। एलएनजी केस, नैब ने शाहिद खक्कान अब्बासी को फिर तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम 26 मार्च को नैब पिंडी पेश हो। शाहिद खक्कान अब्बासी आज बैरून मुल्क होने के बायस पेश ना हुए। सदर पाकिस्तान से सीपीएसटी के वफ़द की मुलाकात। डॉक्टर आरिफ अलवी को आइंदा होने वाले कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की दावत। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की 158 साल तारीखी खिदमत पर मुस्तमिल किताब भी पेश की गई। यकुम रजब 9 मार्च बरोज हफ्ता को होगी। चेयरमैन मरकजी रोहित हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान, रजब का चांद आज नजर नहीं आया। उबाड़ों में घरेलू झगड़े पर एक मां ने अपनी झोपड़ी को आग लगा ली। मां और दो बेटियां झुलस कर जा बहक। दो बेटियों की हालत इंतहाई तश्वीशनाक। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार और मुदई अफजल कोहिस्तानी का कत्ल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस ले लिया। आईजी से रिपोर्ट तलब। काबुल में दहशतगर्दों ने सदारती उम्मीदवार को निशाना बना दिया। तकरीब पर मार्टर गोलों से हमला, 3 अफराद हलाक, सदारती उम्मीदवार जख्मी। हमले में 10 मार्टर गोले फायर किए गए, 19 अफराद जख्मी हुए। लंदन में चाकूजनी की वारदातें बढ़ गईं। चाकूजनी की वारदातों में इजाफे की वजह पुलिस फोर्स की कमी करार।